जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज मैदान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा कार्यक्रम के कथावाचक पंडित प्रेम भूषण जी महाराज ने कथा श्रवण करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के श्रोता जिस प्रकार श्रद्धा पूर्वक बैठकर श्री राम कथा का अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। वहीं मेजबान शिक्षाविद IP मिश्रा ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में सभी के लिए एक सप्ताह तक OPD की सुविधा निशुल्क करने की घोषणा की। धर्म मानता था, एक धर्म भी होता था। आज के राजा का धर्म है एले आओ, ये बनी रहनी चाहिए। साम दाम दंड भेद एनी हाउ, तो वहां धर्म तत्व नहीं है। धर्म की चार परिभाषा है, धर्म ने दूसर सत्य समाना एक, परहित सरिस धर्म नहीं भाई दो, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा तीन, चौथा है प्रकट चारि पद धर्म के कलिबहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करे। ये मानस में चार परिभाषाएं हैं। कोई भी हो, जैसे हम कथावाचक क्या चाहते हैं, खूब भीड़ लगे, मैं नहीं चाहता। बाबूजी दो दिन बोले एक एक लोग लेके आया करो, अब मैं कहता हूं किसी को लेकर मत आया करो, आप आया करो, आप बता दो कि कथा चल रही है राम जी की, सुनना है तो आओ। और तीसरे दिन से भीड़ बढ़ गई, पंडाल पूरा फुल है। जो आते हैं वो 3-3.5 घंटा बैठते हैं, क्योंकि भीड़ लगाने से भगवत भक्ति और श्रोता नहीं बनते। भीड़ कथा नहीं सुनती है, कुछ देखने आती है, कुछ क्या हो रहा है। उसी प्रकार ये जो धर्म तत्व है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी है। आज के राजा का धर्म चाहे जैसे हो, अपनी सिद्धि बना कर कथावाचक लोग हैं। कथाकार को, पत्रकार को राजतंत्र पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा का हृदय नहीं होता है। और जिसका हृदय होता है वो वहां जाता नहीं है, बेचारा वो बैठे रहता है। राम कथा से मैं प्रेरित होके मेरे मन में ऐसा लगा कि जो लोग यहाँ आते हैं, वैसे तो मैं चाहूँगा भगवान की दया से किसी को अस्पताल जाने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन अब जरूरत तो सबको आवश्यकता है, तो हमने वहाँ पर आदेशित किया है कि सभी लोग जो है वो 7 दिन तक हम वो OPD का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। ऐसा तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुँच जाए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको इससे फ़ायदा हो। नहीं, उद्देश्य तो देखो, अभी आप लोग इसी उद्देश्य पर सारी चर्चा किए हैं कि बच्चों पर कैसे संस्कार आना चाहिए। अब हमारा शंकराचार्य महाविद्यालय नाम है, तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर तो सब जगह पैदा होते हैं, इंजीनियर पैदा होते हैं, लेकिन भारतीय डॉक्टर और भारतीय इंजीनियर नहीं पैदा हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारे संस्थानों से जो बच्चे निकले हैं वो भारतीय संस्कृति से प्रेरित हों और हमारी परंपराओं और मर्यादाओं को वो निभाएं। जैसे मर्यादा क्या है कि पिता, बच्चे को पिता का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आपने सुना होगा उस दिन महाराज जी ने सुनाया, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनावाई माता सब करते हैं, तो आजकल तो टाटा करके छुट्टी कर देते हैं, कहाँ माथा नापते हैं। तो ये इसलिए हम चाहते हैं कि इन कथाओं के माध्यम से लोगों पर संस्कार हो, और इसी संस्कार पर अभी आप पूरी चर्चा किए हैं तो इसी से संस्कार होगा। दूसरी बात देखिए, संस्कार के बारे में जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ये संस्कार में सबसे बड़ा गुरु है माता। हम लोग अपने ज़माने में अपने माताओं का 4 से 5 साल तक स्तनपान करते थे, आजकल लोग स्तनपान का दिन मना रहे हैं, एक दिन स्तनपान काय बोले स्तनपान डे। यहाँ पर बच्चे जो हैं
अपने पिता से 10 गुना ज़्यादा अपनी माँ को चाहते हैं। अभी कभी वोटिंग करा दो आप, सभी पिताओं के जो है वो जमानत जब्त हो जाएगी और 95% दुर्ग भिलाई की जनता बड़ी भागवत है, बड़े अनुराग से लोग श्रद्धापूर्वक बैठ के श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। मेरा हृदय से सभी का अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा हृदय से अपना